देख सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 7 डे रिप्लेसमेंट सिर्फ है आपको, यहाँ पे रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे रिटर्न करा सकते हैं। दोस्तों, मैंने 7 डे रिप्लेसमेंट ऑर्डर को कैसे रिटर्न करते हैं उस पर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। फिजिकल डैमेज यहाँ पे इफेक्टिव डी इफेक्टिव या फिर रॉन्ग आइटम या फिर ऐसा कुछ होता है तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। और यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि अमेजन खुद कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप अमेजन से बाई करते हैं उसे रिटर्न करना बहुत ही आसान है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। यहां पे रिटर्न कराना अमेजन से प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 7 डे रिप्लेसमेंट ऑर्डर को रिटर्न कर सकते हैं। जो 7 डे रिटर्न का ऑप्शन आता है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 7 डे रिप्लेसमेंट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, आप उसे बहुत ही आसानी तरीका से रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी तरीका से प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट पे ऑन डिलीवरी है तो आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे अकाउंट नंबर देना होगा और आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ से रिटर्न करते हैं तो आपको कैश मिलेगा, कैश नहीं मिलता है, आपको आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है 7 से 14 दिन के बीच में, वर्किंग डे होना चाहिए 7 to 14 डे, उसके अंदर में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके अकाउंट नंबर में। अगर आप ऑनलाइन बाई करते हैं तो जिस मोड से आप बाई करते हैं उसी मोड से आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में आपको चले आना है। ऑर्डर सेक्शन में आपको यहाँ पहले आपके पास जो भी प्रोडक्ट था उसे रिप्लेस कराना है। तो रिप्लेस कैसे कराना है, यहाँ पे जो पहला आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 7 डे रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, तो रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट करा लेना है। रिप्लेसमेंट जैसे ही आप कराएंगे यहाँ पे आपको कभी भी नहीं जाना है व्यू रिटर्न एंड रिफंड स्टेटस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे तो आप थोड़ा टेंशन हो जाएंगे कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है मेरा, ठीक है, यहाँ पे पिकअप तो हुआ ही नहीं है। तो ये सब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेजन सर्विस की प्रॉब्लम है, ये जब मन करे तब यहाँ से ऑर्डर सेलर के पास लेके जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट कराना है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। रिप्लेसमेंट कराने के बाद जो आपका नया प्रोडक्ट आता है फिर से दोबारा, तो यहाँ पे नया ऑर्डर सेक्शन बन जाता है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नया ऑप्शन बन चुका है, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है, ना कि इस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ कि रिप्लेस कराने के बाद यानी रिप्लेसमेंट कराने के बाद यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे नया ऑर्डर ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिटर्न का। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन देख सकते हैं और रिटर्न का ऑप्शन आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी डेट दिखा देता है, आपको इसी के अंदर करना होता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आएगा, जिसमें से आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टिक करना है। देखिए, किसी भी कंडीशन में आपको फोटो लेने के लिए बोला जाएगा, तो आपको 2-3 फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है आपके प्रोडक्ट का, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसका। तो आपके में ऑप्शन आता है तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 या फिर 3 फोटो अपलोड करें जो जेपीजी फाइल में होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे फोटो अपलोड होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हैं कि 0 रुपीज है। ठीक है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इस डेट को कंफर्टेबल हैं तो आप इस डेट को रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट का डेट चेंज करें रिटर्न करने का, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे डेट होते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो डेट इन्होंने सजेस्ट किया है वही सही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कल रिटर्न कर सकता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इन्होंने सजेस्ट किया है तो रिटर्न हो जाएगा, जो आप सेलेक्ट कीजिएगा तो नहीं रिटर्न होगा, ऐसा कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है। ठीक है, जो डेट चाहे आप फ्लेक्सिबल जिस भी डेट में है आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको सबसे नीचे चले आना है और आप यहाँ पे रिफंड स्टेटस देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रिफंड स्टेटस में क्या क्या है अभी यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, रिफंड में आपको टोटल रुपीज दिया जाएगा, जिसमें से आपको डिलीवरी चार्ज अगर लगा हुआ है तो डिलीवरी चार्ज भी आपको रिटर्न दिया जाएगा, यानी टोटल रुपीज मिलता है आपको। ऐसा नहीं कि आपका कुछ पैसा कटता है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं कटता है, आपको डिलीवरी चार्ज भी अमेजन प्रोवाइड करा देता है, यानी रिफंड कराने के बाद आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना होता है। ठीक है, इसके बाद से आपको यहाँ पे कंफर्म योर रिटर्न पे क्लिक करना है। पिकअप इज शेड्यूल हो चुका है मेरा, यानी अमेजन से जो भी प्रोडक्ट था वो पिकअप के लिए शेड्यूल हो चुका है और कल मुझे रिटर्न करना होगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफंड दिखा रहा है। अगर आप प्रोडक्ट लेते समय ऑनलाइन पेमेंट किए हुए हैं, किसी भी मोड से किए हो, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी मेथड से आप किए हैं,
वो आपके उसी अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, जिस भी अकाउंट से आप किए होंगे, जिस भी मोड से किए होंगे, वहां पे आपका पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर आप कैश एंड डिलीवरी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे बैंक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप यहाँ पे बैंक ऐड कर लीजिए, तो आपको बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा अमेजोन को, आपको हैंड टू हैंड आपको पैसा नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। काफी लोगों ने यह क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन काफी छोटा है लेकिन काफी लोगों ने पूछा था मुझसे, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कन्फर्म कर दे रहा हूँ कि आपको हैंड टू हैंड पैसा नहीं मिलता है, आपको आपके अकाउंट में अमेजोन वाले प्रोवाइड कराते हैं मनी रिटर्न। क्या कितने का आया था? 291 के आसपास। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, प्रोडक्ट सही नहीं है, ये जो है ना, इसका जो फोन टांगने पे ना, इसका वो नीचे झूल जा रहा है। इतना बड़ा डब्बा दिया था, इतना छोटा के लिए। ठीक, चलिए अभी चलते हैं ऑर्डर सेक्शन में, और ऑर्डर सेक्शन में देखते हैं कि मेरा स्टेटस क्या दिखा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे रिटर्न स्टार्ट हो चुका है, और रिफंड विल बी प्रोसीड व्हेन वी रिसीव योर आइटम। जब यह प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाएगा, आपको यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे आपको ट्राई करना है, और रिफंड जो भी है आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप यहां से इस पे क्लिक कभी भी भूल कर ना करें कैंसिल रिटर्न को, क्योंकि यहां पे करेंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और दोबारा रिटर्न करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अभी आपको इस वाले प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, ये वाले प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है। जैसे इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिफंड और रिटर्न स्टेटस दिखता हूँ, तो यहाँ पे अभी पेंडिंग है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, आपने तो देख ही लिया होगा कि मैंने प्रोडक्ट को रिटर्न करा दिया है और कुरियर वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इससे डिफरेंट, ज़्यादातर केसेस में आपको बस यही पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना प्रॉब्लम बता दीजिए। रिटर्न करने टाइम कुरियर वाले आपका प्रोडक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अभी चलता हूँ मैं ऑर्डर सेक्शन में, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करा दिया हूँ, और अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो रिफंडेड दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रिफंडेड हो चुका है, यहाँ पे मेरा जो भी अमाउंट है मेरे अकाउंट में चला आएगा, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट से पैसा कटा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अभी तो यहाँ पे 291 रुपीज दिखा रहा है जो प्रोडक्ट का दाम है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ये प्राइस शो करने वाला नहीं है, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है और यहाँ पे जीरो शो कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं, लेकिन बात करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है, 14 से 15 दिन के आसपास में आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे रिफंडेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे सेक्शन में अभी आप आते हैं, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, व्यू ऑर्डर डिटेल, ठीक है, यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 0 रुपीज शो कर रहा है इस प्रोडक्ट का, तो ये आपका रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट था, इसलिए आपको 0 रुपीज शो कर रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ तो आपको प्राइस कुछ नहीं देना पड़ा था, इसलिए यहाँ पे 0 रुपीज शो कर रहा है। आपको थोड़ा वेट कर लेना है, और अभी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मेरा पिकअप हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पिकअप आपका हो गया है या फिर नहीं, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पे ध्यान देने लगते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पिकअप नहीं हुआ है रिप्लेसमेंट वाले पार्ट में। जैसे रिप्लेसमेंट वाले पार्ट में मैं चलता हूँ, तभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा पिकअप ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट से आपको मतलब नहीं है, ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला पिकअप हो या फिर ना हो, या फिर रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको आपका रिफंड वाला जो है, रिफंडेड वाला, इसमें ध्यान रखना है कि आपका इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो आपका पिकअप होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पिकअप होना चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पिकअप हो जाएगा, उसके बाद से आपको 7 से 15 दिन के अंदर आपका रिफंड क्रेडिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे ऊपर वाले को ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम और आ रही है जिसे कस्टमर केयर से बात करना है, तो आप यहां से कस्टमर केयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहां प्रोडक्ट चूज करना होता है, उसके बाद से आपको यहां पे ऑप्शन चूज करना होता है, और यहां पे आपको कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज कर लेता हूँ हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद से आपको यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेना है, नंबर यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका पर्सनल नंबर, आपके फ्रेंड फैमिली जो भी है उसका नंबर डाल सकते हैं, जिसपे कॉल आए तो आपको उस नंबर पे एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद से कॉल मी नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा, अमेजन की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, तो आपको उसको पिकअप करना है और आपको 9 दबाना है वहां पे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि कस्टमर केयर से कॉल आ चुका है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।